सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे आर्किटेक्ट लैपटॉप की। तो भाई अगर आप आर्किटेक्ट हो, अगर आपको लैपटॉप चाहिए, अगर आपका बजट 70,000 है, आज मैं आपको लैपटॉप सजेस्ट करूंगा जो कि आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना ईजिली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कोई हैवी फाइल पर काम कर रहे हो, कोई लोडेड फाइल पर काम कर रहे हो, ज़्यादा ही अगर आपने फाइल्स वगैरह बनानी है, ज़्यादा ही आपका वर्क लोडेड है, तो आप सभी के लिए लैपटॉप बताऊँगा 70,000 के प्राइस रेंज में। तो बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 की बात करूँ, नंबर 6 पे यार मैंने रखा है HP की Acer लैपटॉप। तो यार मैं बात कर रहा हूँ HP Pavilion Aero की। तो अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो सबसे पहले यार आपको एक लाइट वेट लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक हैंडी लैपटॉप चाहिए, लाइक अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए ना, तो HP Pavilion Aero आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। प्लस सबसे ज़्यादा मैसेज ये आते हैं कि भाई मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए। तो भाई अगर आप भी उनमें से आते हो, आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो जाएगा। एक बार चेकआउट ज़रूर करना। बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले मैं वेट से स्टार्ट कर देना चाहता हूँ। आपको 1 kg इसका वेट सिर्फ देखने को मिलेगा, 2 colors में देखने को मिलता है, सिल्वर कलर में एंड रोज गोल्डन कलर में, ठीक है। 13.3 इंच के साथ आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, प्लस 100% sRGB के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो यार डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट होने वाली है, डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5600U के साथ, 6 core प्लस 12 thread वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर भी इसमें आपको तगड़ा मिल जाता है, 16 GB RAM मिल जाते हैं, प्लस 512 GB आपको NVMe SSD देखने को मिल जाती है, AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ की, तो आपको ब्लूटूथ वर्जन की बात में 4.2 देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, विंडो 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो, 2019 वर्जन आपको MS Office मिल जाता है, प्लस 4 to 5 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा HP Pavilion Aero में। तो भी मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी HP Pavilion Aero के। तो भी अगर आपने इस लैपटॉप हो जाना है तो भी आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। तो भी अगर आपको एनिमेशन करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आर्किटेक्ट स्टूडेंट हो, प्लस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफिस के लिए चाहिए टीचर्स हो, प्लस भी अगर आपको 1080p पर वीडियो एडिटिंग करनी है, प्लस अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है, अगर आपका कोई काम ऐसा है कि ग्राफिक के रिलेटेड आपको काम करना पड़ता है, आपके लिए भी परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। प्लस भी अगर आपको एज अ प्रो लेवल काम करना है, या अगर आपको एक हैंडी लैपटॉप चाहिए, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट चॉइस हो सकता है। बिकॉज हैंडी लैपटॉप है, एज अ प्रो काम कर सकते हो, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप कर सकते हो, नॉर्मली ईजिली कर सकते हो, 4K वीडियो एडिटिंग नहीं कह रहा, हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है नहीं कह रहा, कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं आगे आपको लैपटॉप बताऊंगा ना, 4K वीडियो एडिटिंग के लिए एंड अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, तो आपके लिए वो लैपटॉप बेस्ट डील होने वाला है। तो आप उन्हीं की ओर जाना, लेकिन जो अभी मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट चॉइस हो सकता है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पे यार मैंने रखा ASUS VIVOBOOK K15 OLED को। तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एंटी ग्लेयर पैनल के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो OLED डिस्प्ले सच में बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देती है। मतलब इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो सच में अच्छी होती है एज कंपैरिजन किया जाए एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, ठीक है। सीधी सी बात है, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आपको सीधे ही बता दिया। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, OLED डिस्प्ले जो कि आपको 400 nits brightness के साथ देखने को मिलती है, i5 11th generation देखने को मिलेगा, 4 कोर का प्रोसेसर है, ठीक है, 16 GB RAM मिल जाती है, RAM अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन 16 GB बहुत होती है, 512 GB आपको NVMe SSD भी मिल जाती है, प्लस आपको HDD स्लॉट भी मिल जाता है, तो स्टोरेज का पंगा नहीं रह जाता, Intel Iris Xe ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाता है, प्लस विंडो 11 आप प्री इंस्टॉल भी आपको मिल जाता है, MS Office मिल जाता है, 2019 वर्जन, 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 720p वेब कैमरा मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे। इसका प्राइस बहुत सही है, आपको 65,990 rupees के प्राइस रेंज में ASUS VIVOBOOK K15 OLED देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS VIVOBOOK K15 OLED के। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो। जो कैटेगरीज मैंने पहले बताई थी ना, उन सभी कैटेगरीज के लिए ये लैपटॉप भी बेस्ट डील होने वाला है। इसमें आपको 16 GB RAM मिलती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, पिछले में भी आपको 16 GB RAM मिलती थी, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन 16 GB RAM अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना ना, नॉर्मली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 32 GB RAM वाला चाहिए, वो मैं आपको आगे जो है सजेस्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है।
तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लैपटॉप अगर आपको हैंडी लैपटॉप चाहिए, अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, प्लस असूस के जो डिज़ाइन लुक वगैरह आते हैं ना वो सच में बेस्ट आते हैं। लेकिन अगर आपको ये लैपटॉप पसंद नहीं है, जो आगे आपको लैपटॉप बताऊंगा आप उसकी और भी जा सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पे यार मैंने रखा है लिनोवो की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5 को। तो सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो आपको 68,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल जाता है। 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, फुल एचडी डिस्प्ले, आईपीएस एंटी ग्लेयर के साथ देखने को मिलती है, i5 11th जनरेशन देखने को मिल जाता है, 4 कोर का प्रोसेसर है, 16GB रैम इसमें भी आपको मिल जाएगी, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस इसमें आपको NVIDIA MX415 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि 2GB के साथ आता है। तो अगर आपका कोई काम है ग्राफिक के रिलेटेड है ना वो भी करवा देगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाता है, प्लस फ्री अपग्रेड भी आपको मिल जाता है, विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो, MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाता है, प्लस आपको रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 80% आपका जो लैपटॉप है चार्ज हो जाएगा एक घंटे में, 720p वेब कैमरा मिल जाता है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, इंटेलिजेंट मोड मिल जाता है, बैटरी सेविंग मोड भी इस लैपटॉप में मिल जाएगा, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं आपको 5.1 देखने को मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5 में। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो लैपटॉप के भी, तो भी अगर आपने लिनोवो लैपटॉप की ओर जाना है तो भी आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप एज अ प्रो काम करना है, अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए आप सभी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। एनिमेशन हो गया, फोटोशॉप हो गया, अगर आपने कॉरल ड्रॉ पे काम करना है, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, प्लस भी अगर आप आर्किटेक्ट हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। तो 3 लैपटॉप बता दिए एज अ प्रो, अभी मैं आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा फॉर गेमिंग के लिए, फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए, अगर आपने कोई भी हावी सॉफ्टवेयर यूज़ करना आप इन तीनों लैपटॉप में कर सकते हो जो मैं अभी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 की बात करने से पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, नंबर 3 एंड नंबर 2 मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, एक लैपटॉप आता है लिनोवो की ओर से एंड एक आता है असूस की ओर से। मैं बात करूँ असूस टफ गेमिंग A15 की एंड मैं बात करूँ लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो असूस टफ गेमिंग A15 है अभी आउट ऑफ स्टॉक चलता है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, अगर आप असूस लवर हो आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, आप नॉर्मली इजीली कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 32GB रैम अपग्रेड करने का मिल जाएगा ऑप्शन, आपको 512GB SSD मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी भी बेस्ट मिल जाती है। ठीक है, इसके थर्मल वगैरह भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, पोर्ट्स वगैरह भी आपको सभी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी बात करते हैं लिनोवो लैपटॉप की, मतलब लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, i5 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB रैम मिल जाती है, 16GB तक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 3015 4GB के साथ, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको विंडो 11 इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए दोनों लैपटॉप के। ठीक है, तो आप देख लेना असूस की ओर जाना चाहते हो या लिनोवो की ओर जाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिनोवो जो है ना वो आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो आपको सच में बेस्ट देखने को मिल जाती है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बेस्ट चाहिए ना तो आप लिनोवो लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको थर्मल वगैरह बेस्ट चाहिए असूस के असूस लवर हो तो आप असूस टफ गेमिंग A15 की ओर जा सकते हो, पैसा वसूल होने वाला है। अभी बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है HP Victus को। तो सबसे पहले बता दो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे चाहिए, आप एक्सटर्नल मॉनिटर जो है वो अटैच करोगे इस लैपटॉप के साथ, तब तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप कलर ग्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपको लैपटॉप के ही मॉनिटर में सब कुछ करना है ना, तो मैं आपको बता दूं 70,000 के प्राइस रेंज में इतनी डिस्प्ले आपको अच्छी नहीं मिलती, जो कि सच है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 16.1 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। राइजन 5 देखने को मिलेगा 5600H के साथ, 6 कोर का प्रोसेसर है,
8 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 32 GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 3050 नहीं मिलेगा 4 GB के साथ। Wi-Fi 6 की पोर्ट मिल जाते हैं, प्लस आपको फ्री अपग्रेड विंडो भी मिल जाते हैं, विंडो 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, Alexa बिल्डिंग भी मिल जाता है HP Victus में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Victus के, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, लेकिन इसमें आपको 16.1 इंच के साथ डिस्प्ले मिलती है, फुल HD डिस्प्ले है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले में थोड़ी सी कमी है और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिनोवो लैपटॉप की ओर जाना है, ASUS लैपटॉप की ओर जाना है, तो तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं भी मुझे HP का ही लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको नंबर वन पर ये लैपटॉप सजेस्ट किया, और कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यार अभी 70,000 के प्राइस रेंज में हर एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको लैपटॉप बता दिया, वीडियो एडिटिंग के लिए भी बता दिया, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के लिए भी बता दिया, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, प्लस अगर आप आर्किटेक्ट स्टूडेंट हो उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग करनी है, कॉलर ड्रॉप पे काम करना, फोटोशॉप पे काम करना, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आज मैं हमने आपको लैपटॉप बता दिया। तो यार कहने का मतलब ये है, मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।